आरके खन्ना स्टेडियम में पिछले चार दिनों से भरपूर एक्शन देखने को मिला। इसमें 750 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लिया, जो कि अलग अलग जगहों से बिलोंग करते थे। और देखिए, अब ये टूर्नामेंट जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर जा पहुंचा है और इस साल के लिए लगभग खत्म हो चुका है। चार दिनों से चल रहे पिकल बॉल खेल के कुछ क्षण आपको दिखाते हैं। पिकल बॉल के साथ आज भारत में इस खेल का नया युग शुरू हुआ है। भारतीय खेलों का भविष्य तब बदल गया जब पिकल बॉल ने PWR DUPR इंडिया मास्टर्स के साथ दिल्ली के आरके खन्ना स्टेडियम में इस खेल का जोर शोर से आयोजन किया। ये चार दिवसीय आयोजन ग्लोबल एथलेटिक भावना का एक शानदार प्रदर्शन था, जिसने टेनिस बैडमिंटन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा की मजबूत नींव रखी। पिकल बॉल तेजी से विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में से एक बन रहा है। इस खेल का आनंद हर कोई ले सकता है। इस खेल के लिए ना उम्र बीच में आती है, ना लिंग का भेदभाव होता है। हर कोई इस खेल का आनंद ले सकता है। कई खिलाड़ियों के लिए ये जुनून बन गया है। पिकल बॉल को पूर्व टेनिस खिलाड़ी तेजी से अपना रहे हैं और उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। PWR Duper has India Masters 2024 has been a really big success because I've never seen 70 foreign players in one city in any sport. I don't think any sport, not even tennis, not even cricket, has got 70 players in one city at the same time. So this is huge. I've already built 10 courts in Bennett University. So I think this is going to be really successful and is going to be adopted by most Indians. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और ताइवान से कई नामचीन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लेकिन भारत के चैंपियन अरमान भाटिया ने अपनी बेजोड़ ऊर्जा और कौशल के साथ इन सभी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती दी। वेलकम टू द फाइनल डे। नाउ ऑल आईज। समापन समारोह में रोमांच भरा खेल देखने को मिला, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के सिंगल, डबल और पुरुष महिला मिक्स प्रतियोगिता में तगड़ा खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की सोफिया सेंग ने महिला सिंगल का खिताब जीता, जबकि भारत के अरमान भाटिया पुरुष सिंगल में जीत हासिल की। रूस वैन रीक और कैटलिन हार्ट ने महिला डबल्स में जीत हासिल की। दूसरी ओर अरमान भाटिया और वान रीक ने मिक्स डबल में अपनी जीत दर्ज की। अंतिम में पुरुष डबल का ताज भाटिया और हर्ष मेहता के नाम रहा। चार दिन चला ये पिकल बॉल खेल महोत्सव एक शानदार पुरस्कार समारोह के साथ संपन्न हुआ। जब सेंटर कोर्ट में इस खेल के चैंपियनों को नवाजा गया, तब लोगों का उत्साह आसमान छू रहा था। I'm so happy to have won a triple crown in one of the biggest tournaments in India. And yeah, I'd like to thank all my partners, my team, and everyone who came down and supported me, my friends, family. Quick message to them is that I love you all and thank you so much for being there. PWR DUPR India Masters 2024 ने भारत की पिकल बॉल यात्रा में एक नया अध्याय शुरू किया है। इस खेल को एक नई ऊंचाई हासिल हुई है और साथ ही एक ऐतिहासिक छाप भी ये खेल छोड़ गया है।